हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और अपने इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, बेकेलाइट इज ऑब्टेंड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद, यानी कि बेकेलाइट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है फिनॉल के साथ, हम किसकी रिएक्शन कराते हैं। तो बेकेलाइट क्या हमारा एक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में हम क्या कराते हैं, फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज CH2OH का होल ट्वाइस, ये क्या है रॉन्ग, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड का हमारा फॉर्मूला नहीं है। CH3CHO दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। HCHO ये क्या हमारा फॉर्मेल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टिंग विद फिनॉल एंड ऑब्टेन द बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 90% ऑफ द कैप्रोलेक्टम इज कन्वर्टेड टू नायलॉन 6 ऑन इट्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन द रिएक्टर मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ, यानी कि कैप्रोलेक्टम जो है वो 90% कन्वर्जन होता है नायलॉन 6 में, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, तो रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन किया जाता है। तो नायलॉन 6 में जब कैप्रोलेक्टम का कन्वर्जन होता है, उस वक्त जो रिएक्टर होता है हमारा पॉलीमराइज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्टर, उसका जो टेम्परेचर है वो हमारा 240 to 280 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिसल्स ऑफ टूथ ब्रशेज आर मेड ऑफ, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो टूथब्रश के ब्रिसल्स जो हैं वो नायलॉन 6-6 से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर सेफ टू बी यूज अप टू अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ, यानी कि ज़्यादातर जो प्लास्टिक मटेरियल हैं वो हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर हैं, कितने मैक्सिमम टेम्परेचर तक के लिए सेफ हैं, तो इसका आंसर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मोस्टली जो प्लास्टिक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, यूज के लिए सेफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली कंडेंसेशन ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स प्रोड्यूस, तो सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स के साथ में पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद जो है एल्काइड रेजिन को प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एल्काइड रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ डाई मेथाइल टेरापेथलेट यानी कि डीएमटी एंड एथाइलीन ग्लाइकॉल प्रोड्यूसेस, तो डीएमटी यानी कि डाई मेथाइल टेरापेथलेट और एथिलीन ग्लाइकॉल दोनों जब रिएक्शन करते हैं मोनोमर तो हमारा फॉर्म करते हैं पैट, पैट बनाते हैं, और पैट को हम क्या कहते हैं, डेक्रॉन, तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट। रिएक्शन ऑफ डाइमिथाइल टेरापेथलेट डीएमटी एंड एथिलीन ग्लाइकॉल्स प्रोड्यूसेस डेक्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज, पीवीसी क्या है, पीवीसी फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहां पर अ थर्मोसेट मटेरियल, दैट इज रॉन्ग, पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक या कमोडिटी टाइप का हमारा एक क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसमें क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड में हमारा इमल्सन। नेक्स्ट ऑप्शन है, मेड बाय इमल्सन पॉलीमराइजेशन, दैट इज करेक्ट, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, इमल्सन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर, तो निम्न में से कौन है जो कोपॉलीमर को फॉलो करता है, पीवीसी दैट इज रॉन्ग, बेकेलाइट दैट इज करेक्ट, बेकेलाइट क्या हमारा
जो एक को पॉलीमर को फॉलो करता है, यानी कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर आर इन द रेंज ऑफ। तो मॉलिकुलर वेट का रेंज क्या होगा पॉलीमर के लिए, लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट रेंज जो है वो 10^2 से 10^7 तक होती है, और प्लास्टिक के मटेरियल के लिए हमारी 10^4 से 10^7। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, 10^2 से 10^7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपॉक्सी रेजिन क्या है, नॉट यूज फॉर सरफेस कोटिंग। ऐसा नहीं है, एपॉक्सी रेजिन जो है वो सरफेस कोटिंग के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रॉन्ग। अ गुड एब्रेसिव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा एन इलास्टोमर। एपॉक्सी रेजिन क्या होते हैं, थर्मोसेट मटेरियल होते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। अ पॉलिस्टर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एपॉक्सी जो है वो एपॉक्साइड ग्रुप के होते हैं और एपॉक्सी रिंग्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और कम से कम एक से दो रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एपॉक्सी रेजिन क्या हो जाएगा इसमें, अ गुड एब्रेसिव, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।